मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ देवीपाटन मंडल गोंडा। जनपद मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मैं विकासखंड नवाबगंज में मौजूद हूँ। यहाँ पर नगरपालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। जितने भी उम्मीदवार हैं वो नगरपालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए अपने दमखम से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं वर्तमान में नगरपालिका अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी हैं, उनसे आज News 21 की टीम कुछ वार्तालाप करेगी और साथ ही साथ वो ये भी जानने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि 5 साल का वक्त उन्होंने नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने बिताया है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो उनसे बाकी रह गई होंगी, क्योंकि 5 वर्ष का समय जो होता है सारे काम पूरे तरीके से नहीं हो पाते। आगे आने वाले चुनाव में वो किन मुद्दों को लेके फिर से एक बार मैदान में उतरेंगे, 5 वर्ष का जो समय उन्होंने बिताया, कितना उन्होंने आम जनमानस के लिए काम किया, एक रिपोर्ट अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए उनसे हम कुछ वार्तालाप करते हैं। मैं प्रेजेंट टाइम में विकासखंड नवाबगंज में मौजूद हूं। मेरे साथ वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष सत्येंद्र जी मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव दोबारा से लड़ने जा रहे हैं। एक वार्तालाप दर्शकों तक पहुंचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है और मैं इस समय नगर पालिका परिषद नवाबगंज का चेयरमैन हूँ। आपका मेरे पास आने के लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे पास आए हैं। मैं अपनी हम और आप बैठकर के कुछ विषयों पर जो आने वाले चुनाव में मुद्दे होंगे या अगर 5 वर्षों में हमने काम किए उस पर चर्चा कर सकें, क्योंकि जनता को भी आप एक ऐसा माध्यम है कि जनता होता तो बहुत कुछ रहता है लेकिन कैसे हुआ क्या हुआ वो एक बार बताना भी पड़ता है जी। तो आपके माध्यम से मैं भी सफल होऊंगा नगर की जनता को ये बताने में कि क्या मैंने किया है और क्या मेरा विजन है आगे। जिस तरीके से 5 वर्ष आपने बिताए हैं नगर पालिका परिक्षेत्र में अध्यक्ष पद पर रहते हुए जी, कुछ ऐसे भी काम होंगे आप करना चाहते होंगे लेकिन समय का अभाव होने के कारण आप उन योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मुद्दे भी होंगे ऐसे कि जो आम जनमानस आपके पास बीच में इस 5 वर्ष में आई होगी वो उसने अपनी समस्याओं को बताया होगा, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पे आप नए सिरे से फिर से विचार करके उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये दर्शकों तक पहुँचाए जी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस 5 वर्ष के 2 से 2.5 वर्ष तक नगर पता क्या है? आप मानिए पूरे देश का पूरे विश्व का कोविड काल रहा जिस दौरान कोई भी कार्य नहीं हो पाए, किसी प्रकार के विकास के कोई नए बजट नहीं मिल पाए और ना ही कोई विकास कार्य ऐसे होता है जी। और इस दौरान मैं ये जरूर सोचता था कि जैसे देखिए मैं पद पे हूँ जो मेरी क्षमता होगी या जो सरकारी योजनाएं होंगी निश्चित रूप से जनता को मिलेगी और जो भी मेरे से पहले रहे होंगे उन्होंने भी जो सरकारी योजनाएं आई होंगी उनका लाभ दिया होगा और मैं भी हूं तो बिल्कुल सरकारी योजनाओं का लाभ और सरकार से जो भी एडिशनल लाभ सकते हैं वो करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी खेल से जुड़ा हुआ हूं और मेरी एक ये इच्छा थी कि मैं अपने इस कार्यकाल में एक, चूंकि अभी आजकल देखिए आप स्पोर्ट्स के प्रति और खास करके हमारे कस्बे की स्थिति थी कि जब हम लोग स्पेंट हुआ करते थे हमारे पढ़ाई के टाइम पे जो 2-3 ग्राउंड्स थे जैसे गांव विद्यालय का खेल मैदान, मिशन स्कूल का खेल मैदान और छोटे छोटे ग्राउंड्स थे नवाब में, बहुत सारी जगहें थी, अब तो काफी निर्माण हो गया, दूसरी जगह से रेखा कम पड़ गई है। उस दौरान बहुत सारे गेम्स होते थे, वॉलीबॉल होता था, क्रिकेट होता था और ऐसे होता था कि एक टीम खेलती थी, 2 टीमें खेलती थी और 2 टीम लाइन में रहती थी कि इनका मैच खत्म हो तो हम लोग जाएंगे। कबड्डी के गेम होते, धीरे धीरे हम लोग चिट्ठी के कल्चर में थे, चिट्ठी से हम लोग PNT मोबाइल पे आए और PNT से धीरे धीरे हमने वो युग देखा कि मोबाइल में तो हमारे समय पे हमारे पास मनोरंजन का साधन सिर्फ एक था कि हम ग्राउंड पे जाते थे खेलते। अब क्या है कि आज का युवा, आज के स्टूडेंट्स जो भी आते हैं तो उनको मोबाइल, तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऑनलाइन क्लासेस गूगल यूट्यूब पे सर्च करना है, पढ़ाई करनी है, उसी बहाने मोबाइल लेते हैं और फिर उनका सारा गेम क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल सब मोबाइल पे आ जाता है। मेरी इच्छा रही कि मैं एक, क्योंकि अब
20 लोगों को 22 लोगों को इकट्ठा करके क्रिकेट का गेम तब हो सकता है। कबड्डी के लिए भी आपको 14-15 लोगों के गेम चाहिए, मतलब टीम गेम अब एक ऐसा हो गया है कि शायद वो माहौल हमारे यहाँ अभी नहीं रह गया। मेरी इच्छा थी कि मैं एक ऐसा इंडोर स्टेडियम, एक इंडोर हॉल टाइप का बनाऊँ कि अगर इंडिविजुअल गेम्स जैसे हैं, जैसे टेबल टेनिस है या बैडमिंटन है, एक हॉल हो, जैसे दो बच्चे भी अगर खेलना चाहते हैं तो बैडमिंटन खेल सकते हैं, टेबल टेनिस दो बच्चे भी खेल, कुछ इस तरीके के गेम जो अगर इंडिविजुअल पर्सन भी, व्यक्तिगत भी अगर कोई खेलना चाहे तो खेल पाए। इसके लिए हमने प्रयास भी किया और आप लोगों के सहयोग से बजट भी मिला, लेकिन बजट आते आते अब हम लोगों को मिल पाया है और हमारे यहाँ टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है। नगर पालिका की जो पुरानी ऑफिस थी उसके साइड में काफी स्पेस है और पीछे मेरी हॉल है, तो उस जगह को हमने चिन्हित करके एक इंडोर हॉल वहां पर बनवाने का टेंडर हो गया है, तो काम जल्दी शुरू कर लेंगे। अब सोच यही है कि अगर कोविड ना होता तो शायद हम इस कार्यकाल में जब चुनाव में आते तो वो एक हमारे पास रहता दिखाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक ही पार्क है और वो भी नगर पालिका से नहीं, उद्यान विभाग का पार्क है और विगत 20-25 वर्षों से उसमें किसी प्रकार का ना तो उसकी अपग्रेडिंग की गई है। हर शहरों में देखिए हर जगह पर वॉकिंग ट्रैक्स बना दिए गए हैं, इंडोर आउटडोर जिम्स का इक्विपमेंट लगा दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पाया। तो दूधनाथ मंदिर के सामने एक जगह हमारी खाली पड़ी हुई थी, गड्ढा था, पानी वानी भरता था, गंदगी थी, तो हम जाते आते मेरे मन में आया तो फिर वहाँ पर मैंने एक पार्क बनवाया, उसमें वॉकिंग ट्रैक बनाया है, वहाँ बच्चों के उसके लिए आउटडोर जो जिम के इक्विपमेंट हैं खेलने कूदने एक्सरसाइज करने के लिए वो किया। साथ ही साथ देखिए ये नालियाँ हैं, इंटरलॉकिंग हैं, सड़कें हैं, ये तो बहुत ही मतलब प्रारंभिक नीड्स हैं, कॉमन चीज़ें हैं, इसको तो करना ही है और करते ही रहना है। एक चीज़ हम आपसे और भी कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने स्पोर्ट्स की बात की, क्योंकि आप जो है कैसरगंज सांसद जी, बहुत अच्छा उनसे संबंध है, उनसे जुड़े हुए भी हमारे जी, और दूसरी चीज साथ ही साथ जो है वो इसी काम को देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आम जनमानस के विकास के लिए किसी भी जात किसी भी धर्म उनके लिए कौन सा विकास कार्य आप आगे जो आपके दिल के अंदर इच्छा है कि जो आप इस इन 5 वर्षों में नहीं कर पाए वो थोड़ा सा आपको। देखिए पहले तो आपने माननीय सांसद जी का नाम लिया है, मैं बताऊं कि वो हमारे अभिभावक भी हैं और निश्चित रूप से ये जो कार्य मैंने किए हैं उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं को देख करके उन्हीं से सीख करके उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये भी कार्य किए हैं। और मैं आपको बताऊँ जैसे हम जब नवाबगंज के चेयरमैन बने आज से 5 साल पहले, पिछली बार 1 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो गया था 2017, इस बार चुनाव 10-15 दिन बाद होंगे। तो मैं जब बना तो कुछ ऐसी दलित आबादी के क्षेत्र थे, जैसे आप चले जाएंगे तो थाने चौराहे से आगे जाएंगे पटपगंज पे कोठिया है, 3 नंबर में दलित आबादी है मुठीगंज में, फिर आप बढ़ी पुरवा बाजपुरवा, ऐसे जो गरीब दलित आबादियां जहां पर थी, जहां गरीब लोग थे दलित थे, उनके पास पक्के मकान थे। पिछले 5 वर्षों में मैंने ये प्रयास किया कि किसी भी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो ड्रीम योजना चल रही थी प्रधानमंत्री शहरी आवास की, विशेष प्रयास किए प्रशासन के सहयोग से 700 पात्रों को प्रधानमंत्री आवास दिलाया गया। और मैं आज मुझे बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि नवाबगंज नगर पालिका परिषद एक ऐसी नगर पालिका परिषद है कि एक भी कच्चा या छप्पर का मकान नहीं है। छप्पर आपको वैसे तभी मिलने वाला है जब किसी ने गाय या जानवर या किसी जैसे मेरे यहाँ बैठे हैं आप छप्पर में, शौकीन किसी ने बनाया, लेकिन ये निश्चित है। एक चीज यहाँ पे मैं टोकना चाहता हूँ, अभी बहुत जल्दी डूडा की तरफ से उसके बारे आपने भी जो है वो थोड़ा सा हमारे दर्शन उस पर भी मैं ये आपको थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए बताना चाहता हूँ। जैसे हमने प्रधानमंत्री आवास देखी एक ऐसी योजना है जिसके लिए आपके पास जमीन आपकी होनी, फिर जब हम लोग इसमें घुसे तो ये भी समझ में आया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं 20 साल से 25 साल से वो कहाँ से आए, मान लीजिए कहीं भी रहते थे, यहाँ आ गए किसी काम धंधे के उद्देश्य से आए या किस उद्देश्य से आए, अब आकर के यहाँ बस गए, आज के डेट में वो यहाँ के निवासी हैं, वो यहाँ के वोटर हैं, उनका आधार कार्ड यहाँ पे काम धंधा यहाँ पे, लेकिन वो अपनी गरीबी से इतना कभी नहीं उभर पाए कि वो खाने पीने की व्यवस्था के अलावा कहीं 2 बिस्सा जमीन 1 बिस्सा जमीन नहीं ले पाए कि उनको हम प्रधानमंत्री योजना का लाभ दिला पाए। ऐसे में प्रशासन का सहयोग मिला, डूडा के द्वारा एक योजना चलाई गई जिसमें 48 आवास हमारे यहाँ बनाए गए, सिंगल फ्लैट बनाए गए 1 BHK के, 3-3 मंजिल के टावर बनाए गए हैं, मंडी समिति है पड़ाव मोहल्ले में उसके पीछे। और अभी एक हफ्ते पहले माननीय सांसद कैसरगंज की उपस्थिति में, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी थे, SDM साहब भी थे, डूडा के अधिकारी भी थे, और उन 48 आवास के जो पात्र थे उनका हमने एप्लीकेशन मंगाया, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर चिन्हित किया कि जिनके पास कहीं कुछ नहीं है, जो किराए पे ही रहते थे बेचारे किराए पे ही रह गए या किसी तरीके से कहीं किसी दूसरे के घर पे अपना जीवन यापन कर रहे थे। 178 फॉर्म
सबमिट हुए जिनमें जब जांच कराई गई तो हमारे यहाँ 48 आवास थे और 48 ही पात्र हमें मिले और पात्र नहीं मिले, तो 48 पात्र हमें मिले तो हमने पात्रों को लॉटरी के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र के सहयोग से उनको 48 परिवारों को आवास दिया है और निश्चित रूप से मुझे भी बड़ी खुशी होती है और आत्मिक संतुष्टि बहुत होती है। ये कैसा काम? मुझे तो लगता है कि अब ज़्यादा तो खैर मैं पीछे नहीं गया हूँ, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है मेरे ख्याल से ये जो लूडा की तरफ से ऐसे गरीब परिवारों को ये आवास यहाँ पर मिला है, मुझे तो लगता है कि ये आपके ही कार्यकाल में सर्वप्रथम हुआ। जी जी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और भी ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि आने वाले जो 5 साल आपने गुजारे हैं उसमें आपने आपके दिल के अंदर कुछ ऐसी भी कुछ लोगों आम जनमानस के लिए कुछ ऐसी योजनाएं होंगी जो आप किसी कारणवश आप उन तक नहीं पहुंचा पाए, आगे आपका क्या विचार है, कौन सी ऐसी योजना है कि जो आप उन तक नहीं पहुंचा पाए हैं, प्रशासन का अगर सहयोग मिलेगा या प्रशासन से आप इस उस मांग को रखेंगे आम जनमानस के? देखिए, लगभग तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, एक बात बताने में बड़ी खुशी होती है कि चाहे राशन रहो, चाहे पेंशन रहो, चाहे आवास के विषय में, ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने बहुत ही काम किया है और उन्हीं की प्रेरणा और सहयोग से ही जो प्रधानमंत्री आवास है, डूडा का है या राशन का है, ऐसी चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं मुझे ऐसी लगती है कि थोड़ा सा पेंशन को लेकर के कुछ समस्याएं हैं और अभी तक कुछ चल ही रही हैं, तो अब प्रयास यही है कि अगले कार्यकाल में जो ये छुटपुट समस्याएं रह गई हैं, जो लोग ऐसे पात्र रह गए जिनको आवास हम नहीं दिला पाए, जिनको पेंशन की सुविधा नहीं, मूलभूत सुविधाएं मान लीजिए जो नहीं हम दे पाए, निश्चित रूप से ये मेरा वादा और दावा दोनों है कि हम इस दिशा में प्रयास करके इस इन विषयों पे जो भी विसंगतियां हैं उनको निश्चित रूप से खत्म करेंगे। और एक बात और भी है कि देखिए, मैं विगत 5 वर्ष जनता की सेवा में 24 घंटे उपलब्ध रहा, थाने से लेकर के, तहसील से लेकर के, अस्पताल से लेकर के, उनके सदैव मैं उपस्थित रहा और आगे भी मेरा ये वादा है अपनी जनता से कि उन्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी, नवाबगंज ही नहीं, अगल बगल की जो भी जनता अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे स्तर से उनकी कोई मदद हो सकती है, मेरे पास आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ मदद करने की। और आगे भी ये पक्का वादा है कि 24 घंटे मेरी उपलब्धता उनके लिए रहेगी, मैं उनकी बात सुनूंगा और उनकी मदद, उनके सहयोग में निश्चित रूप से खड़ा रहूंगा। और एक वादा और है कि किसी भी प्रकार से हमारे नगर क्षेत्र में या हमारे जो भी जो मेरा कार्य क्षेत्र है, किन्हीं भी प्रकार के अवांछित व्यक्तियों का हस्तक्षेप नगते ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सदैव अपने नगर की जनता के साथ हूँ और साथ हूँ। एक चीज मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समय आपका कार्यकाल चला है बीच में कम से कम 2 वर्ष तक तो COVID-19 था। अच्छा, COVID-19 की वजह से 2 वर्ष आपका जो विकास कार्य था उसमें आपको ब्रेक लगा। अगर चुनाव को लेके अगर एक लाइन में हम आपसे बात करें तो आपका जो चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से, कौन सा नारा देगा? अगर एक लाइन में बात करें तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास तभी संभव है जब सबका विश्वास मिले। तो आपने देखा कि जिस तरीके से वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष से हमारी बात हुई, चुनावी मुद्दों को लेकर निष्पक्ष रूप से जो उनके दिल के अंदर बातें थी आम जनमानस के प्रति उन्होंने बताया, और इस चुनाव को लेकर जो News 21 से उनकी बात हुई है उन बातों को लेकर उन्होंने ये बताया कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका, इसमें भी एक सबसे बड़ी चीज ये होती है, उन्होंने अपनी वार्तालाप में ही बताया कि सबका विश्वास जब हमें हासिल होगा तभी हम सबके साथ खड़े होकर निष्पक्ष रूप से हम उसके कामों को कर सकेंगे। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ, देवी पाटन मंडल, गोंडा।